हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इट के एक और नए वीडियो में। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक टू के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के, और चैप्टर का नाम है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप देख लेते हैं कि इसके पहले हमने पढ़ा क्या था पिछले वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी फिजिकल फिटनेस के बारे में, वेलनेस और लाइफस्टाइल के बारे में। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ा था कि फिजिकल फिटनेस या फिजिकली फिट होना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने 8 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने दो टॉपिक्स और लिए थे जिसको बोलते हैं वेलनेस और लाइफस्टाइल के बारे में, मतलब आप कैसे जीते हो, कैसे आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हो उसके बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट सेगमेंट को लेते हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपको फिजिकली फिट रहना है, यानी अगर आपको फिटनेस ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से चाहिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक फिटनेस रिक्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि फिजिकल फिटनेस को हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है या 3 एरियाज़ में डिवाइड किया है। पहला है स्किल रिलेटेड फिटनेस, दूसरा है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, और तीसरा आता है कॉस्मेटिक रिलेटेड फिटनेस। अब ये तीनों रिलेटेड फिटनेस है क्या, उसको हम नेक्स्ट सेगमेंट में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है स्किल रिलेटेड फिटनेस। अब बात करते हैं स्किल्स होते क्या हैं। ये कुछ काम करने की एबिलिटी होती है, मतलब अगर आप कुछ काम करते हैं और आप उस डिफ़िकल्ट वर्क को बहुत ही आसानी से अपनी स्किल्स की मदद से बहुत ही एक्सपर्टीज तरीके से सिंपल कर लेते हैं और कंप्लीट कर देते हैं, तो उस तरीके की सारी स्किल्स मटेरियल्स को हम स्किल्स में काउंट करते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। जब आप कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल मोटर टास्क करते हो, मतलब आप कुछ बॉडी से रिलेटेड टास्क करते हो। सेकंड बात है करते हैं तो आता है ये इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट काइंड के स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, आपकी जॉब परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, जिसके अंदर आपको 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, या तो फिजिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर भी स्किल रिलेटेड फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लास्ट बात करते हैं, अगर आपको कोई स्पेशल स्किल्स परफॉर्म करने हैं, काम करना है, तो यहाँ पर स्किल्स रिलेटेड फिटनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और अगर आपके अंदर स्किल रिलेटेड फिटनेस है तो आप फिजिकली फिट रहोगे और ये आपको ज़्यादा फंक्शनल बना देगा दूसरों के मुकाबले। तो नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। किसी भी देश के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसकी पॉपुलेशन फिजिकल और मेंटल फिट रहे। तो इसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे, इसको हम काउंट करेंगे नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंडा के अंदर। अब ये हेल्थ रिलेटेड फिटनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बचाता है और हमें ठीक भी करता है कुछ तरीके की डिसीज से, दोनों तरीके से, जब हम फिजिकली भी बात करते हैं और मेंटली भी बात करते हैं। फिजिकल या हेल्थ रिलेटेड फिटनेस सभी लोगों के लिए एक जनरल कॉन्सेप्ट है और सभी को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट या सर्टन लेवल तक हेल्थी फिटनेस या हेल्थ फिटनेस को मेंटेन करना चाहिए या अचीव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी एक लाइफ टाइम जो पॉसिबिलिटी है हेल्दी रहने की वो भी इम्प्रूव होती है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है। तो नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में बात हमें कॉस्मेटिक रिलेटेड फिटनेस। इसको एक जनरल तरीके से मैं समझाता हूँ कि हर एक पर्सन को फिट रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम फिट रहते हैं तो हमारी बॉडी शेप में रहेगी, और अगर बॉडी शेप में रहेगी तो हमारी बॉडी अच्छी दिखेगी। तो बहुत से लोग जो कॉस्मेटिक रिलेटेड फिटनेस करते हैं वो बस ये चाहते हैं कि वो दूसरों के सामने उनकी बॉडी अच्छी दिखे, मतलब वो बॉडी को अच्छी तरीके से शो कर सकें। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मेंस के लिए भी और वुमेंस के लिए भी। बहुत सारे लोग पतला रहना चाहते हैं, बॉडी को फैट या मोटापे में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वो योगा एट्सेट्रा करते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी क्या रहती है, बिल्कुल टोन्ड अप रहती है। बहुत सारे जिम्स जाते हैं जहाँ पर वो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे एरोबिक्स करते हैं, जिनके कारण उनकी बॉडी मेंटेन रहती है एक प्रॉपर शेप के अंदर, तो उनको उसमें अच्छी फीलिंग आती है, इसीलिए उसको किस कैटेगरी में लेते हैं, कॉस्मेटिक रिलेटेड फिटनेस की कैटेगरी में लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के बारे में। इन कंपोनेंट्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है 5S। तो कंपोनेंट्स 5 तरीके के होते हैं फिजिकल फिटनेस के अंदर। पहला होता है स्ट्रेंथ, दूसरा होता है एंड्यूरेंस, तीसरा स्पीड, चौथा फ्लेक्सिबिलिटी, और पांचवा आता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। तो एक एक करके हम सभी को स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है स्ट्रेंथ।
इसको हम बोलते हैं एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि आप कितने फिजिकली स्ट्रांग हो उस पर डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेंथ। तो यहां पर स्ट्रेंथ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक को बोलते हैं डायनामिक स्ट्रेंथ और डायनामिक को एक और नाम से जानते हैं आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, और सेकंड टाइप पे आता है स्टैटिक स्ट्रेंथ जिसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो डायनामिक स्ट्रेंथ है क्या? ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो मैक्सिमम तरीके से लगा सकते हो आप किसी भी चीज को ओवरकम करने के लिए, मतलब किसी भी फोर्स या प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, और ज्यादा स्पीड से, मतलब हाई स्पीड से अगर आप स्ट्रेंथ लगाते हो तो उस कैटेगरी को बोलते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ। सेकंड बात करते हैं कि अगर आप कोई स्ट्रेंथ लगा रहे हो अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर तो उसको हम काउंट करते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ के अंदर या आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के अंदर। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो आता है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस के अंदर एंड्यूरेंस। अब एंड्यूरेंस का मतलब क्या होता है? ये एबिलिटी है फैटिक को रेजिस्ट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिना थके किसी काम को आसानी से कर लेते हो तो उसको हम एंड्यूरेंस के अंदर लेते हैं। अब एंड्यूरेंस भी दो तरीके से होता है। तो जब हम शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एनएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन मिलता है जिससे हमको इंटेंसिटी और स्पीड तो बहुत तेज मिल जाती है पर बहुत छोटे समय के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। इसमें क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है तो बॉडी के मसल्स के अंदर जो प्रेजेंट ग्लाइकोजन है इसकी मदद से हम थोड़ी देर तक और स्पीडिंगली काम कर सकते हैं या फास्ट तरीके से काम कर सकते हैं, इसको काउंट करते हैं हम शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में। सेकेंड बात करते हैं लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस के बारे में। तो लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस हेल्पफुल होता है जब आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए काम करना है या लंबे समय तक के लिए काम करना है और इंटेंसिटी जो है काम की, मतलब करने की जो तीव्रता है उसको आपको कम करना है और स्पीड भी आपकी स्लोअर रहेगी तो आप लंबे समय तक आसानी से काम कर सकते हो। यहां पर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं और इस तरीके की एक्टिविटी में एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन यूज अप होती है, इसीलिए स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तीसरे कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आता है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है जब आप अपनी बॉडी को बहुत ही स्पीडिंगली या तेज तरीके से मूव करते हैं, यानी जितना तेज हो सकता है उतनी तेज स्पीड से, तो उसको कहते हैं हम स्पीड। इसमें होता क्या है कि जैसे ही आपको स्टिमुलस मिलता है या रिएक्शन मिलता है काम करने के लिए, ऑर्डर मिलता है काम करने के लिए, और आपकी बॉडी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर काम कर देती है तो वो स्पीड के अंदर काउंट होता है। अब यहां पर भी दो चीज देखने को मिलती है कि एक्सीलरेशन टू रीच मैक्सिमम स्पीड, इसका मतलब ये है कि आपने कितना टाइम लिया है अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचने के लिए, और सेकंड आता है कि आप कितनी जल्दी अपने एक्शंस को कंप्लीट कर लेते हो, मतलब मूवमेंट को कंप्लीट कर लेते हो, तो इसको भी हम काउंट स्पीड के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसमें कहते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट। इसका मतलब है आपके जॉइंट्स आप कितने एरिया तक या कितने रेंज तक मूव कर सकते हो, कितने डिग्री तक मूव कर सकते हो। तो यहाँ पर दो कैटेगरीज देखने को मिलती है, एक को बोलते हैं पैसिव एबिलिटी और दूसरे को बोलते हैं एक्टिव एबिलिटी। पैसिव एबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एबिलिटी होती है मूवमेंट की वो आपके डिस्टेंस ग्रेटर होना चाहिए, मतलब आप अपनी बॉडी को मूव ज्यादा दूर तक कर सकते हो, अपने बॉडी पार्ट्स को अपनी बॉडी से मूव दूर तक कर सकते हो किसी एक्सटर्नल हेल्प की मदद से, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरी मशीन की हेल्प की मदद से, तो उसको कहते हैं पैसिव एबिलिटी। और एक्टिव एबिलिटी की बात करते हैं जब आप बिना किसी की मदद से अपनी बॉडी के मूवमेंट को लॉन्गर डिस्टेंस तक ले जाते हो तो उसको कहते हैं हम एक्टिव एबिलिटी। एक्टिव भी दो तरीके से होती है, एक होती है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और एक होती है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक का मतलब है जब आप एक ही जगह पर खड़े होकर अगर वर्क करते हो, स्पोर्ट्स पर्सन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चीज करता है या रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है, जॉइंट्स ऑफ मूवमेंट्स को बढ़ाता है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कोई पर्सन एक जगह से दूसरे के मूव करता है और उस टाइम पे वो फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है या मूवमेंट को शो करता है ग्रेटर डिस्टेंस तक, तो उसको कहते हैं डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। लास्ट में जो पॉइंट आता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का या कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस का, उसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब यहां पर आता है कि अगर आप एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हो, मतलब आपके हाथ पैर सब एक साथ वर्क करके आपको अच्छी तरीके से रनिंग में मदद करते हैं, तो इस टाइप की एबिलिटी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। क्योंकि सिर्फ चलने में ही हमको बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो हमारे पैरों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है हमारे हाथों के साथ और हमारी आईज को भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि हम सही रास्ते पे सीधे जा रहे हैं कि नहीं। तो ब्रेन, हैंड्स, लेग्स, इन सबकी मसल्स, न्यूरॉन्स एक्सेट्रा सब आपस में साथ में काम करते हैं और क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक इंडिविजुअल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एबिलिटीज को रखता है और उनके आसपास में कोऑर्डिनेटिंग करता है
और उस तरीके से वो अपने काम को प्रॉपरली और एफिशिएंटली मतलब बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। तो उस टाइप की एबिलिटीज को हम काउंट करते हैं किसके अंदर, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के अंदर। नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आता है कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सोशल वेलनेस। इसका मतलब है जब हम दूसरे पर्सन से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यानी हमारी एबिलिटी क्या है, किस तरीके से हम दूसरे व्यक्तियों से दूसरे पर्सन से बात करते हैं, वो डिफाइन करता है हमारा सोशल वेलनेस के बारे में। सेकेंड बात करते हैं स्पिरिचुअल वेलनेस के बारे में। तो यहाँ पर हमें जो लाइफ के अंदर जो मीनिंग देता है और डायरेक्शन देता है, मतलब हम किसी चीज को स्पिरिचुअली मानते हैं और हमें उससे अच्छा लगता है, उसको सोचने के बारे में, उसका ध्यान करने के बारे में, तो उसको हम लेते हैं स्पिरिचुअल वेलनेस के अंदर। तीसरा तरीका आता है फिजिकल वेलनेस। मतलब आप जब एक दिन का डेली रूटीन वर्क आसानी से कर लेते हो तो उसको हम फिजिकल वेलनेस के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल वेलनेस। अब एनवायरमेंटल वेलनेस का मतलब होता है जब आप अपनी हेल्थ को प्रमोट करते हो और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब रहन सहन का तरीके का जो लेवल है उसको इंक्रीज कर देते हो, तो यहाँ पर आता है एनवायरमेंटल वेलनेस। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल वेलनेस। इसका मतलब है जब आप अपनी लाइफ के अंदर, काम के अंदर और अपने नॉर्मल जो बिताने वाला समय है उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हो तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल वेलनेस। मतलब काम के अंदर भी अलग तरीके का वेलनेस और अपना नॉर्मल टाइम जो आप अच्छे तरीके से बातें करने में, घूमने फिरने में यूज करते हो, उसके बीच में जब बैलेंस बना लेते हो तो उसको कहते हैं हम ऑक्यूपेशनल वेलनेस। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इंटेलेक्चुअल वेलनेस का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से दिमाग लगा के अपना सारा काम कर लेते हो, इन्फॉर्मेशन ले लेते हो और अपना काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हो, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल वेलनेस। मतलब आसानी से किसी चीज को समझ लेते हो, उसको यूज कर लेते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हो और उससे अपना काम कर लेते हो, तो उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल वेलनेस। लास्ट में आता है इमोशनल वेलनेस। इसका मतलब ये है कि कब कहाँ कौन सा इमोशन को अप्लाई करना है, उसको अप्रोप्रिएटली यूज करने की टेक्निक को हम लेते हैं किसके अंदर, इमोशनल वेलनेस के अंदर। लास्ट सेक्शन में कुछ 5 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। मतलब आपको अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको इन 5 पॉइंट पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहला होता है बॉडी कंपोजिशन, सेकेंड आता है कार्डियो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, थर्ड आता है फ्लेक्सिबिलिटी, फोर्थ आता है मस्कुलर एंड्योरेंस और पांचवे की जब बात करते हैं तो आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। इन सब के बारे में हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं तो वहां से कॉपी यहां पर कर सकते हैं या उसी मीनिंग को हम इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इन पांचों चीजों को ध्यान रखेंगे तो हम हेल्थ से रिलेटेड फिट रहेंगे या हेल्थ से रिलेटेड हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आशा है कि आपको सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आ रहे होंगे। हम लर्न इट पे आपके लिए इजी और सिंपल लर्निंग मटेरियल बनाते रहते हैं जिसके कारण आपकी लर्निंग और लिसनिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होती रहेगी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है या आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता है या कुछ टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप अपडेटेड रहें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय बाय।